मध्य प्रदेश गेस्ट टीचर भर्ती 2023 गाइस एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है अति शिक्षकों के लिए। बताया गया है कि मध्य प्रदेश अति शिक्षक जो वैकेंसी भर्ती है उसके लिए एक नियम यहाँ पे बना दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। बताया गया है कि बिना डीएड और बीएड के अति शिक्षक बाहर करने का आदेश जारी किया गया। तो गाइस ये सीधे विभाग से जारी किया गया है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट जो अति शिक्षक में एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं और जिनकी योग्यता डीएड या बीएड नहीं है तो उनको अब बाहर किया जाएगा, ऐसा विभाग का कहना है। तो आइए समझते हैं क्या है पूरी अपडेट। तो वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे सबसे पहले। आइए समझते हैं क्या है पूरी अपडेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, बताया गया है मध्य प्रदेश अति शिक्षक भर्ती 2023 के संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि जिला मुख्यालय में अति शिक्षक भर्ती के संबंध सीएम हेल्पलाइन काफ़ी मात्रा में प्राप्त हो रही हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा इस संबंध में टीएल की बैठक में अप्रसन्नता व्यक्त की गई। उक्त संबंध में आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा वर्ष 2023-24 में जो भी रखे गए समस्त अति शिक्षक हैं जो डीएड या बीएड नहीं है या फिर उनको बीएड होना अनिवार्य है, ऐसा कहा गया है, लेकिन बिना डीएड और बीएड के कोई भी अति शिक्षक ना रखे जावें। ये एक बड़ी अपडेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका ये साफ साफ कहना है कि यदि बिना बीएड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिना डीएड और बीएड के कोई भी अति शिक्षक ना रखे जावें, चाहे वह पूर्व पैनल में ही क्यों ना हो। ये बड़ी अपडेट की बात है, अगर आपका नाम भले ही पूर्व पैनल में ही क्यों ना हो लेकिन आपने अगर डीएड बीएड नहीं की है तो आपको आपके पद से यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। यदि डीएड बीएड के अति शिक्षक रखे गए हैं तो तत्काल वापस किया जावे, मतलब अभी भी जो काम कर रहे हैं बिना डीएड और डीएड के तो उनको तत्काल वापस किया जावे, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि इस संबंध में जॉब निरीक्षण में इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त होते हैं तो आपके वेतन से अति शिक्षक को भुगतान किए गए राशि की वसूली करने के आदेश जारी करने के पूर्व संकुल प्राचार्य, प्राचार्य प्रधानाध्यापक जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके उत्तरदायी वे स्वयं होंगे। मतलब यहाँ पे जो प्राचार्य हैं या फिर जो संकुल प्राचार्य हैं जिनके द्वारा ये गड़बड़ी करी गई है तो अब उनकी राशि से जो भी भुगतान किया जा चुका है अति शिक्षकों को उनके वेतन से काट लिया जाएगा। तो ऐसा ये एक बड़ी अपडेट है और कहीं ना कहीं एक प्रकार से, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सही है कि गलत है, लेकिन जो पात्र अभ्यर्थी हैं मतलब जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है पढ़ाने के लिए तो कुछ ज़्यादा योग्य होंगे। हाँ, कुछ का ये कहना हो सकता है कि इतने वर्षों से जो काम कर रहे हैं उनका अनुभव भी तो इतना लंबा है पढ़ाने का, तो बिल्कुल आपकी बात भी सही है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ। लेकिन अब विभाग का कहना है, अब जो विभाग कहता है वही करता रहता है। तो अब आगे देखिए क्या अपडेट निकल के आएगी, उसको जैसे ही वो अपडेट करेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक आप बस पेशेंस बना के रखें और जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की अपडेट और सूचना से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड सी यू।